नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। उत्तर प्रदेश में कल चौथे दौर के लिए 53 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में बुंदेलखंड और अवध के इलाकों के 12 जिलों में कल वोटिंग होगी। कैसा है यहां का सियासी गणित बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन शुरुआत चुनावी हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए सज गया है मैदान। नेताओं के दावों और वादों के बाद अब बारी जनता की। 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों के लिए 680 उम्मीदवार मैदान में। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। यूपी विधानसभा के पांचवें चरण के प्रचार के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज उतरे मैदान में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कसा तंज, कहा यूपी की जनता है कसाब से परेशान। कसाब की परिभाषा बताते हुए कहा, का का मतलब है कांग्रेस, सा से मतलब समाजवादी पार्टी और बा का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। और वोट यात्रा में देखेंगे क्या है उत्तर प्रदेश के गोंडा की जनता के मुद्दे और आने वाली सरकार से उसकी उम्मीदें। तो इन तीन खबरों पर रहेगी हमारी नजर कि कल के मतदान की तैयारी हो चुकी है। प्रचार पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए लगातार जोर पकड़ रहा है। तो वहीं गोंडा से वोट यात्रा के माध्यम से जनता की उम्मीदों का हाल आप तक हम बयां करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुंदेलखंड भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर ने। 12 जिले, 53 सीटें, लेकिन समस्या एक जैसी। ये इलाका जिसमें मैं खड़ा हूं झांसी, ये बुंदेलखंड में पड़ता है। 7 जिले हैं यहां पर, 19 सीटें हैं। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और तब, अब जब प्रचार खत्म हो चुका है, तब अब वोटर अपनी बात कहेगा, वोटर अपने मन की बात कहेगा। और खास करके इस इलाके में जहां पानी की समस्या है, किसानों के आत्महत्या की समस्या है, पलायन की समस्या है और बुंदेलखंड के पैकेज के लूट की, भ्रष्टाचार की, कानून व्यवस्था की समस्या है, वहां पर वोटर ने मन ही मन अपना तय कर लिया है कि वो कैसे और किस तरह से अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा और अपना नेता किस तरह का चुनेगा। सबसे पहले बताएं कि इस इलाके में यानी 19 सीटों में पिछली बार 2012 में 7 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, 7 सीटें बहुजन समाज पार्टी को, 4 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 भारतीय जनता पार्टी के पास। यानी इस इलाके में अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में 4 सीटें लोकसभा की जीत ली तो एक लहर के ऊपर सवार थी। और अब यानी बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का जो सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद जो अखिलेश परिवार में सियासी ड्रामे के बाद टॉकिंग पॉइंट बने और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने उस जनाधार को बनाए रखना चाहती है, तो कुल मिलाकर के एक तिकोना संघर्ष दिख रहा है। ये इलाका जो है, ये बुंदेलखंड का इलाका, ये कई नेताओं के लिए इस बार प्रतिष्ठा की सीट भी बना हुआ है, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना हुआ है। इस इलाके में कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं जो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी लड़ेंगे, इससे उनका राजनीतिक करियर तय होगा कि आगे किस दिशा में जाएगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़ झांसी। तो हमारे सहयोगी मंजीत बता रहे थे किस प्रकार से झांसी और आसपास के इलाकों का हाल है। तो वहीं चौथे चरण में सबसे खासम खास सीटों में से एक है इलाहाबाद की सीट। यहां की 12 विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। 12 विधानसभा में 181 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायजा लिया वहां पर हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के 12 जिलों की 53 सीटों के लिए निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में इन 12 जिलों में अगर बात करें तो अवध क्षेत्र के इलाहाबाद की 12 सीटें, कौशाम्बी की 3 सीटें, प्रतापगढ़ की 7 सीटें और रायबरेली की 6 सीटों पर इस चरण में अवध क्षेत्र के जिलों में मतदान होगा। कई राजनीतिक दिग्गजों और उनके पुत्रों की किस्मत इस चरण में तय होगी। अवध क्षेत्र के अगर प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा से कद्दावर नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, वहीं प्रतापगढ़ से निर्दलीय बाहुबली और विवादित मंत्री रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चुनाव सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट जैसा साबित होगा। भले ही अखिलेश और राहुल ने जबरदस्त चुनावी रोड शो किया हो, लेकिन सोनिया गांधी का खुद रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए ना आना और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का केवल रायबरेली तक सीमित रह जाना कई राजनीतिक अटकलबाजियों को जन्म देता है। इस चुनाव की अगर बात करें तो इन 53 सीटों में पिछले चुनाव में साल 2012 के चुनाव में सपा को 24 सीटें, बसपा को 15 सीटें, भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी और पीस पार्टी जैसी अन्य पार्टियों को 3 सीट पर विजय हासिल हुआ था। ये चरण चुनाव आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसी चरण में, चौथे चरण में,
इलाहाबाद उत्तरी की वो सीट भी आती है जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के औसत मत प्रतिशत यानी कि 59% से भी कम मतदान तकरीबन 58% हुआ था। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पढ़े लिखे मतदान करने वाले लोग होते हैं और इस बार इस क्षेत्र से सर्वाधिक 26 प्रत्याशी भी मैदान में हैं। लिहाजा चाहे प्रत्याशी हो या राजनीतिक दल या फिर चुनाव आयोग, सबके सामने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का दबाव होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार रॉकी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज इलाहाबाद। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार से कल के चुनाव के लिए तैयारियां हैं और तमाम नेताओं के वादों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिश्ते सजाए। यहाँ बैठे बैठे गांव में पैसे कौन भेजेगा? भीम भेजेगा, सिंपल है। *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया। 1, 2, 3 अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। उत्तर प्रदेश में कल तो चौथे चरण का चुनाव होना ही है, लेकिन आने वाले पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज पांचवें चरण के लिए प्रचार किया। चौरी चौरा में उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर खास अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता कसाब से परेशान है। कसाब की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि काका मतलब है कांग्रेस, साका मतलब है समाजवादी पार्टी और बाका मतलब है बहुजन समाज पार्टी। जी ने 2.5 साल के अंदर 93 योजनाएं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बनाई है। 93 योजना मेरे पास, इसका सूची लेकर मैं आया हूं। मैं जोर से पढ़ता हूं। एक कसाब कांग्रेस, सपा, बसपा को सुनाई पड़े, इसलिए समय कम है। आपको लगे बहुत हो गया तो ताली मारकर रोक लेना, ठीक है? ठीक है, पढ़ू जोर से? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। भैया अभी तो 9 तक ही पहुंचे हैं, मगर आप तक ये सारी योजनाएं पहुंचने नहीं वाली है। ताली मत बजाइए, क्योंकि बीच में सपा वाली निकम्मी सरकार बैठी है।
वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने फैजाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता दोनों पार्टी के काम को बखूबी जानती है। यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का सपने बस में करने का, आशियां को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। ये है मास्टर राजू। पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुँचती है, इसलिए आज ही अपनाए शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च एक कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां जनता के लिए काम नहीं करेंगी उन्हें जनता किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को गिनाकर जनता से वोट भी मांगे। समाजवादियों ने तो सड़क भी बनाई, सब स्टेशन भी बनाया, बिजली का इंतजाम भी बेहतर किया। लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है समय आने पर जनता उनका इलाज करने का काम भी करती है। सूबे के सीएम अखिलेश यादव काम पर वोट देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अखिलेश लगभग हर सभा में कांग्रेस के साथ को पसंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव सामने आए और अपने इरादे साफ कर दिए। कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ मुझे नहीं जाना है, और जो हमारे लोग हैं अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। इसी के साथ चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार। देखिए ना टीवी को, कोई चैनल साफ आता है तो कोई बेकार। तो फिर केबल डिजिटाइजेशन ही सही रहेगा, शहरों की तरह हम भी सेटअप बॉक्स लगवा लें। बेस्ट आइडिया है पापा, साथ ही साथ मूवी ऑन डिमांड, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स, गाइड, रिकॉर्डिंग सुविधा जैसे कई फीचर मिलेंगे। हाँ, हम जितने चाहें उतने ज्यादा चैनल चुन सकते हैं। हम जो भी चैनल चुनेंगे वो सब के सब अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी में आएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन अनिवार्य है।
बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं विश्व पर अपना असर, दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर दुनिया की सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।